दोस्तों गुम है किसी के प्यार के आज के एपिसोड में आप बहुत सारे ट्विस्ट देखने वाले हैं। सच पता चलेगा ईशान को, जी हाँ वो सभी को बताएगा। सभी यकीन नहीं करेगी लेकिन तब तक पाटिल का सच सबके सामने आ जाएगा। गुम है किसी के प्यार में सीरियल में दिखाया जाएगा कि ईशान गाड़ी में बैठकर सोचेगा कि सभी को कैसे बताए कि उसे कितना प्यार करता है। वो पाटिल को पेपर्स देने जाएगा और रास्ते में गुंडे मिल जाएंगे। वो बातें कर रहे होंगे कि पाटिल सभी के लिए इतना पागल हो गया है कि सुपारी दे डाली, बेचारे बेकसूर को मारा, अगर वो मर जाता तब ईशान को फंसा देता। ईशान सारी बातें सुन लेगा तो वहीं गुंडों को लेकर थाने पहुंचेगा। ईशान पाटिल से कहेगा कि उसे सच पता चल जाए है। पाटिल कहेगा कि वो ये सब सभी को पाने के लिए कर रहा था। ईशान भंवर पाटिल से सभी के लिए कहेगा जिसे वो छुईमू समझ रहा है वो ज्वालामुखी है। ईशान भंवर को धमकी देकर जाएगा। ईशान सोचेगा कि वो सभी को पाटिल का सच बताएगा लेकिन उसे लगेगा कि सभी उसकी बात नहीं मानेगी। ईशान सभी को ऑफिस बुलाएगा। सभी पहुंचेगी, उसे ऑफिस में देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ईशान सभी को बताएगा कि पाटिल उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। सभी कहेगी कि उसे पता है कि पाटिल इंटरेस्टेड है। पंडित ईशान की शादी का मुहूर्त निकालेंगे, शादी की तैयारियां होंगी। पाटिल साथी शास्त्री से कहेगा कि सभी से शादी करके वो उसे रानी बना के रखेगा, उसे कोई एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है। दुर्वा सभी के पास ईशान की शादी की मिठाई भेजेगी। पाटिल आकर चपरासी को पीटेगा कि वे सभी को चढ़ाने के लिए कर रहा है। उसको पीटते देख दुर्वा डर जाएगी, सभी उसे रोकेगी। पाटिल सभी को धक्का देगा और वो गिर जाएगी। पाटिल डर जाएगा, प्रायश्चित के लिए वो अपने हाथ को दीवार से मारेगा और उसका खून निकलने लगेगा।